हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड आप लोग कैसे हो जरूर बताइएगा। तो आप लोग के लिए न्यू टिप्स लेके हम आ गए। ये छोटे छोटे जो टिप्स होते हैं तो हमारे कामों को बहुत आसान बना देते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा कौन कौन से टिप्स शेयर किया है। तो चलिए देख लेते हैं पहली टिप्स कौन सी है। पहली टिप्स इस प्रकार, जैसे दरवाजे जब हम खोलते हैं तो इसमें आवाज़ आती है, तो इसके लिए बहुत अच्छी टिप्स बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। आपको क्या करना है, एक नारियल का तेल लेना है। नारियल का तेल बहुत यानी काम आता है, तो इसको थोड़ा सा लेना है, कॉटन में लेना है। इस प्रकार से थोड़ा सा ड्रॉप करके 3-4 ड्रॉप इसमें डाल दीजिए कॉटन में। फिर आपको क्या करना है, चलिए देखते हैं इसके कॉटन से हम क्या करेंगे। तो कॉटन से क्या करना है कि आपके जो ये कब्जे हैं, इन कब्जों में आपको इस प्रकार से रब करना है, तो जो इससे आवाज़ आती है तो आवाज़ आना बंद हो जाए। क्योंकि आवाज़ जो दरवाज़ा जब खोलो बंद करो इसमें अजीब सी आवाज़ आती है, तो अच्छा नहीं मानते हैं। और इसको अगर आपके घर में भी दरवाजे से आवाज़ इस प्रकार से आती है तो उसको क्या करिए कि आप कब्जों में इस प्रकार से नारियल के तेल लगा देंगे, तो इस आवाज़ आना बंद हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप जितने इसमें लगे हुए हैं कब्जे उसमें पूरे लगा दीजिए। तो कैसे लगे आप लोग क्या करते हैं, अगर आपके गेट से यानी दरवाजे से आवाज़ आती है तो आप लोग क्या करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जिससे दूसरे लोगों को भी काम आ सके। तो इस प्रकार से इसमें आप ये टिप्स कर सकते हैं। तो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम कोई वीडियो डालते हैं आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। इस प्रकार से आप टिप्स की बहुत सारी आपको वीडियो मिलती रहेंगी, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए अगली टिप्स देख लेते हैं, अगली टिप्स कौन सी है। अगली टिप्स इस प्रकार, जो हमारा स्विच बोर्ड होता है उससे है कि ये भी बहुत है नहीं, हम यूज करते रहते हैं और गंदा हो जाता है, इस पर ध्यान नहीं देते, तो इसको भी आप साफ़ कर लिया करिए। क्योंकि ये गंदा रहता है तो देखने में भी थोड़े से अच्छा नहीं है, और कोई आए तो देखे कि ये कितना यानी स्विच बोर्ड भी कितना यानी गंदा पड़ा हुआ है। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। आप अगर आपके घर में वैसलीन है तो वैसलीन को थोड़ा सा आपको कॉटन में लेना है, और ज़्यादा नहीं लेना, बस थोड़ा सा लेना है। इस प्रकार से कॉटन में ले लीजिए, और क्या करना है कि इसमें थोड़ा सा आपको हल्के हाथों से रब करना है। तो ये जो भी इसमें स्विच बोर्ड में गंदगी लगी हुई है तो आसानी से निकल जाएगी, ना तो पानी लगाने की ज़रूरत है आपको, ना तो कुछ भी। आप इस प्रकार से इसमें रब कर दीजिए, तो देख सकते हैं इसमें से धीरे धीरे गंदगी जो है तो निकल गई है, स्विच बोर्ड से एकदम से क्लीन हो गया है। और इसमें से आपको करंट लगने का भी ज़्यादा वो नहीं रहता कि आपको करंट पानी है, पानी से आप साफ़ करेंगे तो करंट लगेगा, तो इसीलिए फिर आप इससे साफ़ करेंगे तो आपका जो है तो करंट लगने का भी डर नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से आप अपने स्विच बोर्ड के यानी आपका गंदा बहुत ज़्यादा गंदा है तो इस प्रकार से इसको साफ़ करते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो कैसे लगे यानी कैसे लगा ये टिप्स ज़रूर बताइएगा। तो देखिए एकदम से क्लीन हो गया है ये जो स्विच बोर्ड है। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अगली टिप्स देख लेते हैं, अगली टिप्स कौन सी है। अगली टिप्स इस पर, तो ये टमाटो सॉस का जो रैपर आता है, ये रैपर जब खाली हो जाता है तो इसको हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो फ्रेंड अगर आपका यानी खाली हो चुका है और टमाटो सॉस नहीं है, और बच्चे बोल रहे हैं कि टमाटो सॉस को जो क्या रहता है कि कुछ बच्चों को यानी कुछ खाना है टमाटो सॉस चाहिए, तो तुरंत तुरंत तो नहीं मिल पाता है। तो क्या करिए कि रैपर है, अगर रैपर में मंगाते हैं तो इस प्रकार से है, तो आप क्या करिए कि बेलन उठाइए और बेलन को इस प्रकार से आप थोड़ा सा रब करिए, तो जो नीचे तरफ है जमा हुआ है तो आसानी से ऊपर तक आ जाएगा। और इस प्रकार से आप एक कटोरी में निकाल लीजिए, तो बच्चों को दे दीजिए। अगर बच्चा यानी बहुत ज़्यादा आपको भी जिद करते हैं कि नहीं हमको टमाटो सॉस चाहिए तुरंत, तो इस प्रकार से आप निकाल के दे सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से निकाले कितना सारा इसमें आ गया है। तो इस प्रकार से आप निकाल के बच्चों को दीजिए। तो कैसी लगी ये टिप्स ज़रूर बताइएगा। तो देख सकते हैं, और इसको निकालने के बाद अगर आपके हाथ पैर में कहीं पे भी दर्द हो रहा है तो इसमें पानी भर लीजिए थोड़ा सा गर्म, और ज़्यादा नहीं कि एकदम खौलता हुआ, और जहाँ पे दर्द हो रहा तो सिकाई भी इससे कर सकते हैं। तो अगली टिप्स इस प्रकार है, चलिए देख लेते हैं कि क्या रहता है। इस समय गर्मी का मौसम है, और गर्मी के मौसम में जूस पीने का ज़्यादा
इच्छा होती है तो आपको क्या करना, अगर आपको भी मौसमी हो गया, ऑरेंज हो गया, किसी का जूस निकालना है तो घर में क्या रहता है कि अब हर घर में तो जूसर नहीं होता है, तो जूसर ना होते हुए भी आप इसका जूस निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि इस प्रकार से कट करिए, बीज से कट करना है, जैसे नींबू को कट करते हैं तो इस प्रकार से इसको कट कर लीजिए। कट करने के बाद क्या करना है कि एक बर्तन लेना है आपको, डीप वाला थोड़ा सा बर्तन ले लीजिए और एक यानी ग्लास ले लीजिए। ग्लास को भी अच्छे से धो लेना है, क्लीन कर लेना है, साफ कर लेना है। और इस पे क्या करना है कि एक यानी ये कटा हुआ मौसम्बी लेना है इस प्रकार से, और इसमें ग्लास के ऊपर रब करना है, तो जो इसमें जो भी जूस होगा तो आसानी से निकल जाएगा और ज़्यादा आपको यानी जूसर की जैसे जूसर हो गया और मिक्सर हो गया ज़रूरत ना पड़ेगी, आप आसानी से घर में जूस निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप घर में जूस निकालिए और अब पी सकते हैं। तो देख सकते हैं कितना आसान तरीका है। आप लोगों को ये जूस निकालने का तरीका कैसे लगा, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा कि आप लोग को यानी वीडियो अच्छी लग रही है, तो लाइक और शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस प्रकार से जितने यानी कट करे हैं मौसमी को तो जूस फटाफट निकाल लेते हैं। तो चलिए निकाल के फिर आपको दिखाते हैं कितना सारा इसमें जूस निकला है। तो देखिए इसमें जूस इतना निकल आया है, और इसको जो छिलका है तो इसको फेंकना नहीं है, इसको आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये जो जूस निकला है तो इसको छान लेते हैं। तो देखिए घर का फ्रेश एकदम से जूस निकल आया है, तो आप भी इस तरीके से घर में फ्रेश जूस निकाल सकते हैं। तो वीडियो को यानी आप लोग को ऐसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो थोड़ा सा इसको आप इस तरीके से चम्मच वगैरह ले लीजिए और थोड़ा सा छन्नी में कर दीजिए तो ये आसानी से निकल जाएगा। तो कैसी लगी ये टिप्स बताइएगा ज़रूर। तो चलिए अगली टिप्स देख लेते हैं। अगली टिप्स इस प्रकार जैसे कि नमक से है, नमक में क्या रहता है अक्सर हम क्या करते हैं कि स्टील का चम्मच डाल देते हैं। तो फ्रेंड आप स्टील का चम्मच ना डालिए, जैसे हम ये इस तरीके का कंटेनर ख़रीदते हैं ना तो इसमें ये छोटा स्पून मिल जाता है प्लास्टिक का, इसी के लिए रहता है। तो आप यही यानी स्पून इसमें रख के आप यूज करिए, क्योंकि स्टील का चम्मच क्या रहता है कभी कभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, क्रिया भी कर लेता है। तो आप स्टील का चम्मच ना डाल के ये वाला चम्मच यानी प्लास्टिक का चम्मच डाल सकते हैं, नहीं तो वुडन के भी आते हैं आजकल, उसको भी डाल सकते हैं। तो कैसी लगी ये टिप्स ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अगली टिप्स देख लेते हैं, अगली टिप्स कौन सी है। अगली टिप्स इस प्रकार घी से है, जब हम घी घर में बनाते हैं मार्केट से लाते हैं तो उसमें क्या रहता है कि कुछ दिन बाद अलग उसकी जो स्मेल है चेंज हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप घर में घी बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा चिटकी भर नमक डाल दीजिए, नहीं तो जो मार्केट से आता है उसको उसमें भी थोड़ा सा डाल दीजिए, तो उसमें जो स्मेल चेंज हो जाती है रखे रखे तो वो नहीं चेंज होगी, बनी रहेगी। तो इस प्रकार से आप ये घी को यानी घी में थोड़ा सा डाल के घी को रख सकते हैं, घी ख़राब भी नहीं होगा, तो इस प्रकार से रख सकते हैं। तो चलिए और जब भी घी डालिए यानी रखिए तो कांच के यानी बर्नी में कांच के कंटेनर में ही रखिए, तो इससे आपका घी ख़राब नहीं होगा। तो कैसी लगी ये टिप्स ज़रूर बताइएगा।